नमस्कार दोस्तों, आपका KDS राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं नागौर में, जहां पर देश भर में प्रसिद्ध नागौर का पशु मेला चल रहा है। यहां पर विशेष रूप से जो नागौरी बैल हैं, जो कि नागौर के प्रसिद्ध हैं, नागौरी नस्ल के नागौरी बैल भारी संख्या में हैं, और साथ ही ऊँट हैं और बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ भी हैं। क्या कुछ यहाँ पर खास है वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रसिद्ध मेले का व्यू आपको दिखाते हैं। नागौर पशु मेला 2021 के दृश्य आप देख रहे हैं, और नागौर का जो पशु मेला है, वो जो नागौर है, वो नागौरी बैल से जाना जाता है। नागौरी बैल अपने सुंदर स्वरूप और ऊंची कदकाठी मजबूत शरीर के लिए जाना जाता है, और नागौरी बैल के व्यापारी यहाँ मेरे साथ में हैं। थोड़ी सी मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है और कहाँ से आप लोग? मेरा नाम राम कुमार है, गाँव बड़ाया है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने बैल लेके आए हैं? हम 10 बैल लेके आए हैं। 10 बैल लेकर के आए हैं, कितने दिन हो गए? मेरे को होगा करीब करीब 18 तारीख आई। 18 तारीख को मेला शुरू होने से है? हाँ। तो अब तक मतलब क्या आप यहाँ पे मतलब कितने बेच लिए होंगे? बेचे हैं अभी एक दो बेचे। तो खासियत आप बता सकते हैं कि आपके जो बैल हैं, और बैल के कमर ये लटके हुए ना, ये नए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और खोपरे नारियल जैसे अपन पैर होने चाहिए, पूंछ बतड़ा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? निम्बाराम जी। निम्बाराम जी, हाँ जी। आप भी बलाया से ही हैं? बलाया से आए। बिल्कुल। तो ये आप थोड़ा सा मेरे को समझाएं कि इसमें जैसे क्या क्या खासियत होती है? इसमें खासियत होती है कि नागौरी बैल में एक तो कामल नहीं होनी चाहिए, गला एकदम थुम भी होती है, एकदम भालत रहे, एक पुर छोटा होना चाहिए, पूंछ पतली होनी चाहिए, ये खासियत है नागौरी बैल की। तो नागौरी बैल इस बार जिस क्या मतलब बिक्री में और में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, बिक्री में मान लो कोई 60-70 हज़ार का भी बिक्या है, कोई 50 का बिक्या है, कोई 30 का बिक्या है, ये बात। तो यहाँ पे मतलब जैसे महंगे में अपन बोलें या ज़्यादा कॉस्ट में बोलें तो कौन सा बैल अभी महंगे में? तो एक बैल मान लो कि 90 हज़ार मांग रहा है, हाँ अपने पास का ही है। अच्छा। तो हाल बिका तो नहीं हो, उसका 62 हज़ार लगा हुआ है। 62 हज़ार लास्ट लग रहा है। तो अभी जैसे एक बात पूछूं मैं, खेती में तो काम आते नहीं है? खेती में भी कभी कभी तो काम लेते हैं ना, हल में, वो जो आपने बाजरा बाते हैं उसमें हल नहीं करते ना, उसमें काम लेते हैं। अच्छा। और रेस में और शौक से टांगा जोत के खेत में जाते हैं हरा लेने के लिए। तो इनकी क्या कीमत है? इसकी 1,00,000 रुपये। ये शुरुआत वाला? हाँ। अच्छा, और ये दो नंबर पे जो ये 75,000। इनकी उम्र कितनी गई? उम्र तो 5 साल का हो गया। ये 4 का? ये 4 साल। आपका क्या नाम है? पुरखाराम जी। तो अब थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे बैल, अब कितने टाइम से ये बैल का जो व्यापार वगैरह जो पाल ये बैल है? 2.5 साल का हो गया, बस बैल दांत कर दे, बस बिखरा लाइक हो गया। अच्छा, अभी इसके कितने दांत हो गए? इसका दांत है 4। 4 दांत है, मतलब 4 साल का हो गया कि कितना? नहीं ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो गया, हाँ। 5 खान को गया। 5 खान को गया। आप कितने समय से कर रहे हैं ये काम? ये मैं तो छोटा था, हम जरा लगा रहा है ऐसे धंधा बढ़िया, मैं तो पहले यही किसान था, बैल गाड़ी रखता बल्द, बाप किसान बल्दों में खेती करता, जत गई है हालत में बैल रखो। तो अब तो खेती तो हुए को नहीं? अब खेती था जरूर ट्रैक्टर थी क्या रहा है अगली बात है, ये सब साधन है बड़े अम्बिला आउट है, कौन गऊ का जया है, थोड़ा रख रहा मेहनत कर रहा तो 2 रुपया मिले ही है, अरे मंडी लागे, अरे मंडियाँ बस गए, मंडियाँ बंद है। आता है बाकी नागौरी बैल, वैसे तो बहुत फेमस बैल है। नागौर बैल भारत पूरा मशहूर है, नागौर को बैल मशहूर है। मतलब क्या इसकी ताकतवर ज़्यादा होता है? आगे खुर हाथ कम कर दिया करें, मजबूत हुआ नाशन ने दौड़े चाल गणी काटे, चाल तेज पड़े। ये यहाँ पे आप बेचने के लिए लाएंगे? बेचने के वास्ते लें। इसकी क्या कीमत है? 51,900 देना कौन? 51,900 देना कौन? यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, परसों सैकड़ों पुराना मेला है यहाँ का। तो ये मेला मैं देख रहा हूँ शायद इस बार तो कोरोना की वजह से चलो थोड़ा कुछ कम हो गया, बाकी और भी वर्षों में कम हो रहा है। तो ये इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर जो सरकार वगैरह है जो ध्यान दे? सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए इनको, कृषि ये पशुपालक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, सुविधा करनी चाहिए। जैसे सुविधा यहाँ पर नहीं है अभी, सुविधा कहाँ है? ये व्यापारी लोग आए हुए हैं यूपी के, तो इनको ट्रेन की सुविधा देनी चाहिए, तो यहाँ से ये व्यापारी ज़्यादा आएंगे और ट्रेन होगी तो यहाँ खरीदारी करेंगे और ले जाएंगे, तो पशुपालकों के लिए इनकम होगी। मेरे गांव से अभी 20 बैल आए हुए हैं बलाया से, एक बलाया गाँव से 20 बैल है, और सारे अच्छी नस्ल के बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े बैल हैं।
हर बेल 50,000 लाख 40,000 30,000 का बेल है, 20 बेल आए हुए, तो इनके गांव में भी इनकम होगी, पशुपालकों को इनकम होगी, ये इनका व्यवसाय भी है छोटा बड़ा। तो ट्रेन ट्रेन चालू होनी चाहिए, ट्रेन जो कि व्यापारी ला सके, ले जा सके, ले जा सके। आपका नाम परिचय क्या है? रघुवीर चौधरी, बलाय से। ये देखिए नागौर पशु मेले के घोड़ों के मेले का दृश्य है, और भारी संख्या में इस बार जो घोड़े और घोड़ियां हैं व्यापारी लेकर के यहां पर पहुंचे हैं, न सिर्फ राजस्थान के बल्कि और राजस्थान से बाहर भी व्यापारी यहां पर आए हैं, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी दोनों ही। और प्रसिद्ध मेला है नागौर का, यह है सैकड़ों वर्ष पुराना मेला। नागौर पशु मेले में जहाँ घोड़े इस बार भारी संख्या में हैं, ऊँट लगभग आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम हो चुके हैं, और ये जो बुल हैं वो भी काफ़ी कम ही संख्या में आए हैं इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम निवास है। कहाँ से? अभी डे से। डे यहाँ पास में? हाँ बिल्कुल। ये कौन सा मुरा है? क्या मुरा नस्ल का है? अच्छा, और क्या खासियत है इसमें? एक खासियत वो मुरा नस्ल का है। हाँ। भैंसियों के लिए है। कितने दांत का है ये? 4 दांत है। 4 दांत है, मतलब कितने साल का हो गया ये? अब लगभग हो गया या 4 साल का? 4 साल का हो गया। तो ये मतलब क्या यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए लाए कि आप? ये प्रदर्शनी के लिए लाए हैं। बेचने के लिए नहीं? बेचने के लिए नहीं। अच्छा, कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट तो लगभग है वही 56। 56 इंच के लगभग? हाँ 56 इंच के लगभग। थोड़ा सा मैं खासियत पूछूँ, अगर मुरा नस्ल के जैसे होते हैं ना, उनमें क्या खासियत होती है? माथा छोटा होता है, सींग छोटे होते हैं, घोड़े में होता है। दूध ज़्यादा देगी? इसकी जो बच्चा बच्ची होगा वो कम से कम एक टाइम का 7-8 लीटर दूध देगा। मेरा नंबर 54-14-86-39-39। नागौर पशु मेले का दृश्य है जहाँ भारी संख्या में घोड़े घोड़ियाँ हैं, और ऊँट मैं आज देख रहा हूँ काफ़ी सीमित संख्या में है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ऊँट है जो आए थे, लेकिन कुछ बिक गए, कुछ व्यापारी चले गए, अब कम मात्रा में ही ऊँट यहाँ पर बचे हैं। बाकी आए थे जब ऊँट बहुत मात्रा में आए थे, और आज के दिन तक ऊँट यहाँ पर काफ़ी कम हो चुके हैं। नागौर पशु मेले 2021 का दृश्य है जहाँ पर पशु यहाँ पर बेचने के लिए और प्रदर्शनी करने के लिए लाए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर बाहर जो है, इस बार उतनी ज़्यादा तो नहीं है, कम संख्या में ही कहूँगा मैं, फिर कुछ दुकानें सजी हुई है जो पशु के साजो सामान और उनके रख रखाव के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है। और ऐसे एक दुकानदार हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि क्या क्या सामग्रियाँ जो है वो यहाँ पर मिलती है। क्या नाम है सर आपका? इरफान भाई है। इरफान भाई कहाँ से हैं आप? मैं हरसौर। हरसौर से? तो यहाँ दुकान लगाने के लिए? जी। हर साल आते हैं क्या? जी हर साल ही आते हैं। इस बार मैं कह रहा हूँ दुकानें तो कम ही लगी हुई है। दुकान तो जो लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो उसकी वजह से क्या, ये कोरोना वायरस के बाद में पहला मेला, फर्स्ट पहले इसकी तारीख जो 12 दे रखी थी तो ये स्थगित तो हो गया। तो उसके बाद में क्या, कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में ये वापस जो चालू हुआ है मेला, तो कुछ लेट के कारण क्या है दुकानें कम आई हैं, लेट हो गए ना मेला, तो उसकी वजह से क्या कम आई है दुकानदार। जैसे ये भाई साहब ये भी दुकान लगाते हैं यहाँ यार, ये क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे क्या क्या? ये जैसे ये बेल का मोरा है। अच्छा। ये घोड़े की बिट है, घोड़े को कंट्रोल करने की। ये गले का है, ये बाकी सीट है अंदर, सजाने का पूरा डेकोरेशन है घोड़े का ऊँट का? जी ऊँट का, घोड़े का, पूरा सामान है बेल का। अच्छा। तीनों का जी। ये अलग अलग, ये क्या है? ये पेकड़े हैं पैर रखने के। ये बिट है जो डेंजर घोड़ा होता है उसके काम में आती है। अच्छा, ज़्यादा शैतान होता है घोड़ा? जी जी। और ये नॉर्मल जो घोड़ा आता है उसके लिए। ये बाकी सब बिट है, ये भंवरकड़ी है, ये बेंटेड है, ये झूल है उसकी सजाने की घोड़े को, ये बैठने की है, ये सीट है, वो अंदर जो सपाट है उसकी, ये ऐसे करके पूरा डेकोरेशन। इस बार मैं पूछूं तो किस तरह से चल रहा है, मतलब ग्राहक वगैरह कितने का? ग्राहक तो खास नहीं है, अगले साल से 50% है, ज़्यादा नहीं है जी। आप तो हर साल लगाते हो तो आपको मालूम है कि भी कितना कि रह रहा है इस बार, है ना? ग्राहक मतलब जैसे खरीद फरोख्त के लिए व्यापारी तो आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो मेला हो गया ना, मेला लेट हो गया ना, उसकी वजह से क्या है, इसकी तारीख निकल गई है, कम से कम 20 दिन लेट चल रहा है ये मेला। तो उसकी वजह से क्या है, ये किसी को मालूम है कि भाई 12 तारीख से मेला है, तो उस टाइम पर वो आके चला गया है यहाँ पर, उस टाइम पर कुछ जानवर थे नहीं यहाँ पर, जानवर अब भर्रा रहा है, तो अब किसको मालूम, वापस थोड़ी आएगा दोबारा यहाँ, यूँ है। नागौर
पशु मेले का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो व्यापारी हैं बेचने के लिए अपने पशुओं को आते हैं, तो खरीददार भी व्यापारी यहाँ भारी संख्या में आते हैं। इस बार क्या माहौल है, क्या कुछ है यहाँ? मुर्रा नस्ल के ये है ना? मुर्रा नस्ल के। आपका क्या नाम है? शीशराम नाम है जी। अच्छा, कहाँ से आप? सीकर, खंडेला। खंडेला से तो यहाँ मतलब आप खरीदने के लिए आए हैं? ये खरीदने के लिए आए थे। अच्छे जानवर मिल रहे नहीं, क्या खरीदें? अच्छा, अच्छे जानवर तो है नहीं, ये दो जानवर लिए सिर्फ। अच्छा। और कितने के लिए? एक 40 का लिया, एक 35 का लिया। अच्छा, तो आप इनका फिर क्या करेंगे? ये तो आगे अभी उन मेले में बेचेंगे। अच्छा, आगे मेले में पुष्कर मेला हुआ, उसमें मेले में बेचेंगे पाल पुल के। अच्छा, इनको थोड़ा और मोटा तो मोटा ताज़ा करेंगे। क्या ये मतलब ये आपका काम है? यहाँ अपना काम है बेचना, मेले में बेचते हैं, खरीदते हैं, मेले में बेचते हैं आगे बड़े करके। जो मुर्रा नस्ल के जो भैंसे हैं, जो स्पेशली अपने मजबूत कद काठी के लिए और हाइट के लिए जाने जाते हैं, उनमें से एक मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे परिचय जानते हैं। ये कहाँ से हैं और इसका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? भिवानी डिस्ट्रिक्ट, गांव डिगावा मंडी। अच्छा, डिगावा मंडी से। क्या नाम आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, तो ये इसका क्या नाम है? हीरा। हीरा, तो ये कौन सी ब्रीडिंग से है? ये युवराज का बच्चा है। युवराज का बच्चा है। इसकी खासियत क्या है? खासियत क्या है इसकी? पड़े हुए है। अच्छा, हाँ। इसको मतलब शुरू से आपने पढ़ा है? हाँ, शुरू से। अभी कितनी हाइट होगी इसकी? हाइट इसकी 5-3-4 इंच है, 5 फुट 3-4 इंच। 5 फुट 3-4 इंच। हाँ। तो यहाँ पर क्या ये बेचने के लिए लाए या प्रदर्शनी के लिए? प्रदर्शनी के लिए लाए। नागौर पशु मेले का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ नागौरी बैल जो कि प्रसिद्ध है अपनी कदकाठी, अपनी सुंदरता के लिए, उसके खरीदार भी दूर दूर से यहाँ पर देश भर के कोनों कोनों से आते हैं। ऐसे ही व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सुंदर कदकाठी के बैल यहाँ पर करीब 7-8 बैल खड़े हैं जिन्होंने इन खरीदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल जी। तेजपाल जी। और आपका? गजपाल महाराज जी। गजपाल महाराज जी। और आपका? रामबोल। तो और आपका भी बता दें? प्रदीप काजला। अच्छा, तो आप लोग सभी व्यापारी हैं, आप खरीदने? हाँ, के लिए मेरठ से आए हैं, किसान लोग हैं। किसान लोग। अच्छा, व्यापारी नहीं है, हम तो किसान आदमी, अपनी खेती करते हैं। अब तो खेती के लिए आप? हाँ जी, हाँ, खेती और अपना रेस के लिए बछड़े लेने आते हैं। अच्छा, जो नागौरी नस्ल के बछड़े मशहूर हैं, विश्व प्रसिद्ध बैल है नागौर का, तो ये रेस के लिए और हल जोतने के लिए लेने आते हैं बैल। अच्छा, तो अभी खेती में आपके वहाँ काम आते हैं? हाँ, ये जुताई में, खेत जुताई में काम आते हैं। हाँ जी। वैसे तो आजकल जैसे ट्रैक्टर का बहुत हो गया? नहीं, कुछ काम ऐसे है जो बैल द्वारा ही होता है। ट्रैक्टर तो साइड में जब घूम का होगा तो तोड़ देगा गन्ने को, ये बैल आराम से पैर धर के निकल जाएगा, इससे टूटता नहीं है गन्ना, जुताई भी बढ़िया करता है। अच्छा, गन्ने की खेती के लिए स्पेशली बैल की जरूरत है? स्पेशली बैल। और गन्ने की खेती यूपी में सबसे ज्यादा होती है? हाँ जी, हाँ। और एक काम और है हमारे यहाँ, गंगा स्नान का मेला भरता है, उसके लिए जाते हैं इन्हें जोत के बग्गी में, छोटी बग्गी में दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते हैं ये। इन्हें घी दूध चना खिलाते हैं धपो। अच्छा, तैयार करते हैं। मतलब एक जैसे यहाँ से आप लेके जाके फिर उसको खुराक देते हैं? हाँ, खुराक देंगे, पहले तो इन्हें घी दूध रोटी देंगे, खूब गुड़ गुड़ घोल कर पिलाओगे इन्हें। हाँ, फिर जैसे वो दौड़ वगैरह का भी होता है क्या? हाँ, दौड़ का भी होता है सिस्टम, बहुत बढ़िया दौड़ का, वहाँ इनाम मिलता है दौड़ में। हाँ, 5,000-5,000 रुपये रंगीन टीवी तक का इनाम होता है। हाँ, जब फर्स्ट आएगा। सारे आप किसान हैं? सब किसान हैं। सब किसान हैं। इसको 25,000, 30,000, 15,000 जैसा नारा है वैसे दाम है। हाँ, अलग अलग दाम है, जैसे ये छोटा बच्चा है तो इसके छोटे दाम हैं, बड़ा बच्चा है तो बड़े दाम हैं, जैसा कदकाठी वैसे दाम है। हाँ, बच्चे की तरह पालते हैं ना? बिल्कुल, बच्चों की तरह पाला जाता है। हाँ जी, जैसे अपना बच्चा छोटा है ऐसे पालते हैं, सेवा करते हैं इनकी। नागौर पशु मेले के रंग आपको दिखा रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध नागौरी बैल जिनके खरीददार आप लोग कहाँ से हैं? बागपत से है जी, यूपी से। बागपत से? हाँ जी। तो यहाँ पर आप बैल खरीदने के लिए? हाँ जी। हर बार आते हैं क्या? न, कभी आ जा कभी नहीं आते। अच्छा, तो क्या करते हैं आप वहाँ पर? ईंख बाते हैं, जोतते हैं, ईंख की जुताई करते हैं। ईंख यानी गन्ना? हाँ जी, गन्ने की जुताई वहाँ पर, गन्ने की खेती। हाँ जी। और गन्ने की खेती के लिए स्पेशली? हाँ जी, नागौरी बैल। हाँ जी। तो इसमें क्या खासियत होती है जो आप नागौरी बैल को ही ज़्यादा पसंद करते हैं? ये पक्का बैल, फुर्ताला बैल रहता है। अच्छा। हाँ जी, पक्का होता है? हाँ जी। जुताई में तो थकता नहीं है? ना जी, और वैसे भी इसको ज़रूरत होता है। अच्छा, तो अभी आपने कितने खरीदे हैं ये? हमने दो खरीदे हैं। अच्छा, दो जोड़ी? हाँ, एक जोड़ी, दो बैल। दो बैल।
देखिए नागौरी बैल की कदकाठी और उसका स्वरूप। नागौरी बैल जो कि खरीदारी के लिए यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से, क्या नाम आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह जी, तो आपने ये बैल खरीदा अभी? ये भाई ने, यूपी वाले ने। अच्छा, आपने खरीदा है? हाँ। क्या नाम है आपका? ओमवीर। ओमवीर जी, हाँ। आप कहाँ से? यूपी में कहाँ से? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। हाँ। ये आपने खरीदा है बैल? हाँ। कितने में खरीदा? 1,00,000 में। अच्छा, 1,00,000 रुपए में। हाँ। तो मैं ये शायद कहूँगा मेले का सबसे महंगा हो गया ये। हाँ। अभी तक का। हाँ। मैं तो अभी इस भाव में तो अभी तक किसी ने नहीं खरीदा होगा। इसमें क्या खासियत क्या है इसकी? है? क्या खासियत है जो इतना महंगा कैसे ये? साग सारी खासियत है इसका, देखो कैसे है। अच्छा। कान छोटे हैं, ठाट है, सीधे हैं, कोई वो नहीं है इस पर, भौरी नहीं है, भौरी नहीं है कोई। अच्छा। हाँ। सुंदर भी है। हाँ, सुंदर है। ये कितने टाइम, कितने मतलब साल का है ये? यो है 16 महीने का। 16 महीने का भी बच्चा ही है मतलब? हाँ। अभी तो ये और भी बढ़ेगा? भी बढ़ेगा बिल्कुल। तो आप क्या काम लेते हो उसको? कुछ नहीं, क्या शौक के लिए? शौक के लिए सेवा है बस। शौक रखते हो या खेती वगैरह करते हो? खेती करें। खेती में काम लेते हो? हाँ, ये बड़ा हो जाएगा खेती कर के काम। हाँ, बड़ा हो जाएगा जब आप। हाँ, खेती करेंगे। और हाँ। कहाँ से आए आप लोग? यूपी से। यूपी से, क्या नाम आपका? विनोद। विनोद जी, और आपका? अनुज तेवतिया। अच्छा, आप भी यूपी से? हाँ जी, यूपी। हाँ जी, सारे यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आप सभी यहाँ क्या खरीदारी के लिए? खरीदारी के लिए। हाँ जी, खरीदारी। तो यहाँ पे आपने कितने अभी बैल वेल खरीदे हैं क्या अभी? खरीदे हैं ये बैल, खरीदे 8-9 बैल। अच्छा, अलग अलग आपने दो दो बैल खरीदे। ये लगभग कितने प्राइस के होंगे? ये वाला खरीदा 6-51,000 रुपए का। ये वाला क्या? प्योर नागौरी। प्योर नागौरी, इसकी हाइट भी अच्छी है। हाँ जी। कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट होगी जी 5.5 फीट। तो आप लोग जैसे क्या किसान है? क्या किसान है जी? गन्ने की खेती के लिए लिया। गन्ने की खेती? हाँ, विशेष रूप से वैसे गन्ने की खेती के लिए। डीजल महंगा होता जा रहा है तो डीजल महंगा होता जा रहा है तो अभी बैलों से भी खेती करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर से कहाँ जुताई दी जाएगी? तो फिर वापस वहीं आ गए हल पे ही अपना। पहले तो चलते थे बैठ, अब ट्रैक्टर शुरू। पहले हम जो पैदाइश हैं वो बैलों की हैं, अभी हमारी जो जनरेशन है वो ट्रैक्टर की हो गई, फिर हमारा बुढ़ापा फिर बैलों से कटना कटना है। ठीक है, डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, पहले से तैयारी करें, डीजल इतना महंगा होता जा रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर अपना जो बैलों से खेती बाड़ी करेंगे। पॉल्यूशन भी तो है, और पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, ट्रैक्टर का धुआं साला नाक में चढ़ता रहे, सबसे अच्छा डीजल महंगा हो रहा है बस। तो फिर इसलिए मट्टी भी खराब होती है, मट्टी भी खराब भी होती है, घुड़ाई बहुत अच्छी करता, बहुत अच्छी जुताई होती है। घर में गोबर भी कर रहा है ना ये जैसे? बस तो वो भी शुद्ध है जो है उसका। ये तो घर में गोबर भी कर रहा है ना वो भी शुद्ध है, उसे भी हम फसल में लगाएंगे ना तो उससे अलग ही पैदा हो रही है। सेवा करने के लिए मिल जाते हैं बैल, घर में भी बढ़िया रहते हैं। जाने में हुआ दिक्कत? कागज उन्हें कोई नहीं पूछता, उसने बोलते उसे जेब में रखो, उसकी जरूरत नहीं हमें। वो तो सीधा सारा सब कुछ ले जाते हैं, बिल्ला भी लगता है, मेडिकल का कागज भी ले जाते हैं, सारा सब कुछ करा के लेके जाते हैं, बिल्टी भी कटाते हैं, सारा सब कुछ कराते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता। यहाँ से ले जाने में फिर ले जाते कैसे? यहाँ से तो गाड़ी में लोड कर लेंगे, रस्ते में परेशान करते हैं ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेले से लोड करने से रस्ते में प्रॉब्लम आती है। बस बाकी पैसे लेते हैं, फिर वो एक के 10 लेते हैं जी, सब चीज मौजूद है हमारे पास में, फिर भी परेशान करते हैं। ये उम्र है, उस मारपीट पे आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, डंडे वाली करते हैं। मैंने यहाँ पे बात की थी, वो कह रहे थे यहाँ पे ट्रेन की उर्की भी ले जाने के लिए व्यापारियों को सुविधा नहीं है। पहले थी, अभी नहीं है, होनी चाहिए। ट्रेन सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा। ट्रेन का क्या कर रहे हैं? अभी बैल भी नहीं है, फायदा नहीं है ट्रेन का। ट्रेन अगर मान लो ट्रेन लग जाती है तो एक बैल पे खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। वो तो पूरी ट्रेन का, चाहे 10 बैल हो चाहे 1,000 बैल हो, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अभी इतने बैल भी नहीं है, तो खर्चा जो अपना किसान आदमी जो हम व्यापारी लोग हैं खरीदने आए हैं उन पर ज़्यादा किराया बैठ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट से जाने में बेटर है। अच्छा, अभी वैसे तो आप गाड़ियाँ लेके आते होंगे? हाँ, गाड़ी नहीं, इधर ट्रांसपोर्ट होती है ना उससे गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। बिल्कुल, अपनी अपनी दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें इन लोगों ने भी अपनी समझाई है। ले जाने में दिक्कत ना बने, हमारे सॉल्व करवा दिए दिक्कत। हमारे जैसे बच्चे लिए धन लिया हमने, हमारा घर अपने सुरक्षित पहुँचना चाहिए। अपनी अपनी समस्याएं हैं, कुछ व्यापारी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिन्होंने अभी कुछ समस्या कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बताई, और इनका कहना है कि जब ये रास्ते में लेकर के जाते हैं तो इन्हें रास्ते में जो असामाजिक लोग हैं उनका भी सामना करना पड़ता है और ले जाने में दिक्कत होती है। और इस तरह के ये मेले और इस तरह की ये जो धरोहर है ये तभी सुरक्षित रह सकती है कि जब इस तरह की दिक्कतें किसानों को नहीं आए। और ये अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई हैं जो कि व्यापारी या पशुपालक यहाँ पर आते हैं, उनको
अधिक जानकारियाँ मुहैया करवाई जा सके, सुविधाएँ मुहैया करवाई जा सके। इस तरह से अलग अलग जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स की है वो सभी तरह की परामर्श के लिए स्टॉल्स लगी हुई है सरकारी। यह था हमारा नागौर पशु मेला को लेकर के विशेष कार्यक्रम। काफ़ी असमंजस इस बार रहा और अभी भी जैसा कि हमने घूमकर देखा कि लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी कुछ असमंजस था कि ये मेला किस तरह से होगा या नहीं होगा। कुल मिलाकर यह है कह सकते हैं कि इस अपने राजस्थान का यह प्रथम कोरोना के बाद में प्रथम पशु मेला आयोजित नागौर में हुआ और कहीं ना कहीं खुशी जो व्यापारी आए हैं उन्होंने खरीद फरोख्त की और जो पशुपालक हैं वो भी खुश हैं कि ये मेला आयोजित हुआ, क्योंकि बहुत सारी निराशाएं कोरोना को लेकर के हो चुकी थी और पशुपालक इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने पशुओं को आगे बिक्री कर सकें और व्यापारी भी खरीदने के लिए बेताब थे। और नागौर जो कि प्रसिद्ध है नागौरी बैल के लिए और पूरे देश भर से लोग जो किसान हैं वो यहाँ नागौरी बैल खरीदारी के लिए आते हैं। यहाँ भारी संख्या में इस बार नागौरी बैल आए हैं, ऊँट भी आए हैं और घोड़े घोड़ियाँ भी आई हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम नागौर पशु मेला को लेकर के। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।